हेलो एवरीवन, तो इस वीडियो में हम देखेंगे एग्जांपल्स ऑन रैंप सिग्नल। सो द क्वेश्चन इज एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू आर ऑफ टी माइनस टू आर ऑफ टी माइनस वन, और ये दिया है आर ऑफ टी माइनस टू। अब ये तीन डिफरेंट सिग्नल्स का हमें करना है एडिशन। तो सबसे पहले तो हम ड्रॉ करेंगे फर्स्ट फंक्शन जो कि है आर ऑफ टी। लेट्स स्टार्ट विथ स्केचिंग फर्स्ट सिग्नल विच इज कॉल्ड अ रैंप सिग्नल, जिसको हम आर ऑफ टी लिख सकते हैं। अब आर ऑफ टी की प्रॉपर्टी हमें पता है, इट बेसिकली अ रैंप सिग्नल होता है जिसका एम्पलीट्यूड 0 के लिए 0, 1 के लिए 1, 2 के लिए 2 इस फॉर्म में होता है। तो कुछ इस तरह से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ये है हमारा रैंप सिग्नल। फॉर 0 इट इज़ 0, फॉर 1 the value is 1, similarly for 2 amplitude is 2, and if I take another value as 3 to iska amplitude aata hai 3, and so on up to all positive values of t। to ye hai hamara ramp signal r of t। ab jo second function yahan par hai wo diya hai minus 2 into r of t minus 1। to iske liye sabse pehle to hum ye r of t minus 1 sketch karenge। नाउ टू ऑप्ट फॉर आर ऑफ टी माइनस वन, हमें इस वाले सिग्नल को शिफ्ट करना पड़ेगा, दैट इज़ टाइम शिफ्ट आर ऑफ टी बाई। अब कितने यूनिट से करना है इसके लिए यहाँ पर हम लिखेंगे टी माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, तो हमें टी मिलेगा प्लस वन, यानी कि प्लस वन यूनिट से हम इसको शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट 0 प्लस 1, यानी कि अब जो सिग्नल है वो स्टार्ट करेगा फ्रॉम 1। सो विल स्केच इट इन अ प्रॉपर वे। सो हियर ये सिग्नल 0 से स्टार्ट करता था, 0 प्लस 1 यानी 1। नाउ द सिग्नल विल स्टार्ट फ्रॉम 1, जिसका एम्पलीट्यूड 0 हो जाएगा 1 के लिए। तो ये हो सकता है हमारा सिग्नल। सो इसको भी हम ड्रॉ करेंगे 1 के लिए 0, नेक्स्ट 2 के लिए 1 आ जाएगा, 3 के लिए ये 2 आ जाएगा, एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो ये हो गया हमारा आर ऑफ टी माइनस 1। सिंपली इस वाले सिग्नल को हमने एक यूनिट से शिफ्ट किया है। अब जो भी सिग्नल हमें मिला है उसे हमें मल्टीप्लाई करना है विथ माइनस 2 एम्पलीट्यूड में। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई आर ऑफ टी माइनस 1 बाई माइनस 2। सो इफ आई मल्टीप्लाई दिस बाई माइनस 2, सो द सिग्नल विल गेटिंग, इसका स्लोप हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है स्लोप का। तो देखिए ये 0 के लिए 0 है, तो ये भी ये 0 के लिए 0 आ जाएगा। नेक्स्ट 1 के लिए यहाँ पर 0 था, 0 इंटू माइनस 2 यानी 0, सॉरी, तो ये हो जाएगा 1 के लिए 0। अब नेक्स्ट वैल्यू देखिए 2 के लिए, यहाँ पर वैल्यू 1 है, इसे मल्टीप्लाई करना है माइनस 2 से, माइनस 2 इंटू 1 यानी जाएगा माइनस 2। तो ये जो सिग्नल है इसका स्लोप हमें मिलेगा माइनस 2 का। ओके, तो यहाँ पर ये 2 लेते हैं, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये माइनस 2। 3 के लिए इसका वैल्यू 2 था, 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4 आ जाएगा, तो ये हमें मिलेगा 3 के लिए माइनस 4। यानी कि अगर इसको हम कंटिन्यू भी करते हैं तो इस वाले सिग्नल का जो स्लोप है वो हो जाएगा माइनस 2 का। स्लोप यानी चेंज बिटवीन टू पॉइंट्स। आप देख सकते अगर 1 और 2 पॉइंट हम लेते हैं तो 1 के लिए 0 है और 2 के लिए माइनस 2, तो माइनस 2 माइनस 0 यानी हो जाएगा माइनस 2। और हमेशा रैंप सिग्नल में हम स्लोप ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं, हम स्लोप को ऐड करेंगे। तो इसका स्लोप आ गया माइनस 2। इसका स्लोप अगर हम देखेंगे तो देखिए 0 के लिए 0 वैल्यू है, 1 के लिए 1 वैल्यू है, तो 1 माइनस 0 यानी 1, स्लोप 1 का आ सकता है। हम नेक्स्ट 2 पॉइंट भी देखते हैं तो देखिए 1 के लिए एम्पलीट्यूड 1 है और 2 के लिए एम्पलीट्यूड 2, तो 2 माइनस 1 यानी अगेन 1। तो इस वाले सिग्नल का जो स्लोप है वो आ जाएगा
प्लस वन का और इसका आ गया माइनस टू का, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट थर्ड सिग्नल जो हमें लेना है, इट्स नथिंग बट आर ऑफ टी माइनस टू, दिस वन। तो सिग्नल को शिफ्ट करेंगे टू यूनिट से, या फिर एक बार इक्वेट करेंगे, टी इज इक्वल टू हमें मिलेगा प्लस टू, सो विल राइट टाइम शिफ्ट आर ऑफ टी बाई प्लस टू यूनिट, यानी कि इस वाले सिग्नल में एक्स एक्सिस पे हमें टू ऐड करना है। सो अगर हमने टू ऐड किया तो सिग्नल राइट शिफ्ट हो जाएगा, ये ज़ीरो का रेफरेंस है, देन ये वन का आ जाएगा, ये आ जाएगा टू का। सो ज़ीरो में अगर हम टू ऐड करते हैं तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम टू, तो ये मिलेगा हमें आर ऑफ टी माइनस टू, और इसका जो स्लोप है वो अगेन हो जाएगा वन, कि सिग्नल सिंपली शिफ्ट हो रहा है, तो इसका भी स्लोप है प्लस वन का। अब हम इसको ऐड करेंगे इन तीनों सिग्नल्स को, सो दैट हमें मिलेगा एक्स ऑफ टी। अब अगर हम इसको प्रॉपरली ऐड करेंगे, हमें ऐड करना है रैंप सिग्नल को, सो ये मैं फर्स्ट रेफरेंस एक्सिस में ड्रॉ कर लेता हूँ जीरो की। अब स्टार्ट करेंगे ड्यूरेशन में, तो देखिए ज़ीरो टू वन इस ड्यूरेशन में यहाँ पर स्लोप है प्लस वन का। अब इस वाले सिग्नल में आते हैं, ज़ीरो टू वन के लिए देखिए कुछ भी वैल्यू नहीं है तो ये स्लोप ज़ीरो हो जाएगा, तो इसका स्लोप प्लस वन है, इसका स्लोप आ गया ज़ीरो। इस वाले सिग्नल में आते हैं, ज़ीरो टू वन के बीच में कुछ नहीं है तो स्लोप कितना होना चाहिए, ज़ीरो। तो हमें ऐड करना है वन प्लस ज़ीरो प्लस ज़ीरो, यानी ये हो जाएगा वन। तो ज़ीरो टू वन के बीच में जो स्लोप है वो प्लस वन है, यानी पॉजिटिव स्लोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये? पॉजिटिव स्लोप। तो इसको हम इस तरह से दिखाएंगे इनक्रीजिंग ऑर्डर में, प्लस वन आ गया, फाइन। अब नेक्स्ट रेंज की तरफ चलते हैं, वन टू टू के लिए स्लोप वन है, यहाँ पर हम लिखेंगे वन प्लस। वन टू टू के बीच में आप देख सकते हैं स्लोप जो है माइनस टू का है, तो इसको हम लिखेंगे वन माइनस टू। और इस वाले केस में वन टू टू के बीच में स्लोप ज़ीरो है तो ये प्लस ज़ीरो आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा माइनस वन। तो वन टू टू के बीच में स्लोप अब माइनस होना चाहिए, यानी कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा कुछ इस तरह से, जो हम लिख सकते हैं एज माइनस। अब देखिए फ्रॉम ज़ीरो टू वन के बीच में स्लोप पॉजिटिव है और वन टू टू के बीच में स्लोप है नेगेटिव, फाइन। अब नेक्स्ट वैल्यू, अब देखिए यहाँ से अगर हम कंटिन्यू भी करते हैं तो इस वाले सिग्नल का स्लोप तो फिक्स है, ये है वन। अब यहाँ पर देखिए टू टू थ्री, थ्री टू फोर, या फिर कितना भी कंटिन्यू करेंगे, स्लोप कितना है इसका? माइनस टू का स्लोप है, तो ये हो जाएगा माइनस टू। अब इस वाले फंक्शन में आते हैं, टू टू थ्री के बीच में एक स्लोप है प्लस वन का, तो ये है प्लस वन। तो वन प्लस वन टू, माइनस टू यानी ज़ीरो, दैट मीन्स टू टू थ्री के बीच में स्लोप कितना है? ज़ीरो। तो इसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं, एक स्ट्रेट लाइन है। अब अगर हम थ्री टू फोर भी लेते हैं तो यहाँ पर स्लोप वन है, यहाँ पर स्लोप माइनस टू है, और यहाँ पर स्लोप है प्लस वन का, यानी कि यहाँ से अगर हम कोई भी वैल्यू लेते हैं तो इसका कांस्टेंट वैल्यू क्या होना चाहिए? ज़ीरो अप टू इन्फिनिटी। तो ये आ जाएगा हमारा सिग्नल एज एक्स ऑफ टी। हमने क्या किया है? तो सिंपली हमने रैंप फंक्शन में जो भी सिग्नल दिया था उसको स्केच किया है और उसका स्लोप का एडिशन किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसका एडिशन किया हमने? स्लोप का एडिशन। सो दिस इज़ अबाउट हाउ कैन वी ऐड ए रैंप सिग्नल। I hope you understood this. We'll see a couple of examples on this in the next video. Thank you.